ट्रांसफर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या होता है पहले हम देखते हैं। जब आपके पापा का ट्रांसफर किसी अदर सिटी में हो गया है, या फिर आप किसी अदर सिटी में जा रहे हैं रहने के लिए, या फिर आपको किसी अदर स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप कौन सी एप्लीकेशन लिखेंगे? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये कैसे लिखते हैं हम देखते हैं इसका फॉर्म में। फर्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं हम, लिखना टू। टू के बाद हम लिखते हैं द प्रिंसिपल शेयर कर दे स्कूल। यहाँ पर आपके स्कूल का जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपके स्कूल का एड्रेस, इंगोरिया डिस्ट्रिक्ट उज्जैन एमपी। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टडी इन क्लास। आपको क्या लिखना है? आपकी क्लास लिखना है, आप जिस क्लास में हैं। जैसे यहाँ पर आप थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, आप जिस भी क्लास में हैं आपको अपनी क्लास मेंशन करना है। सो क्या आएगा, आई एम स्टडी इन क्लास, फिर आपकी क्लास जिस क्लास में है, ऑफ योर स्कूल। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू, आपके पापा का ट्रांसफर क्या हुआ, कहाँ हुआ है, वो प्लेस लिखना है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी उसमें स्टडी करता हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफर जो भी सिटी उधर हो गया है, तो मुझे क्या दे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू। फिर आएगा योर फैक्टफुली, यहाँ पर आपका नाम आएगा, उसके बाद एडमिशन नंबर और लास्ट में डेट। ओके, सो ये आपका फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखना होती है। अगर ये फॉर्मेट में एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तो वो गलत होता है। हम एप्लीकेशन ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने पेपर कहीं और लिखा, फिर सब्जेक्ट कहीं और लिखा, टू कहीं और लिखा। हमें फॉर्मेट के साथ एप्लीकेशन लिखना होती है। ओके, टू के नीचे ही सब्जेक्ट आएगा एंड रिस्पेक्टेड सर। आप सब्जेक्ट साइड में नहीं लिख सकते, आपको वन बाय वन जैसा ही फॉर्मेट वैसा ही लिखना होता है। ओके, सो ये आपको आपकी सीडब्ल्यू कॉपी जो इंग्लिश ग्रामर की है उसमें लिखना है। ओके।